नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सहस्त्रधारा रोड पे दून डिफेंस ड्रीमर्स व नगर निगम देहरादून द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी थीम पर आधारित रहा। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि हमें दून को क्लीन सिटी ग्रीन सिटी बनाना है, क्योंकि आने वाले समय में इस शहर का महत्व और बढ़ने वाला है। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन एवं सुंदरता आने वाले भविष्य के लिए भी बचे। इसके लिए आज हमें स्वच्छता का संकल्प लेना है। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर देश के प्रमुख शहरों में से एक है। इसकी स्वच्छता से हम पूरे देश में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक संकेत दे सकते हैं। साथ ही सीएम ने युवाओं से विशेष तौर पर स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का आग्रह भी किया। मेरे नौजवान भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के लिए आप लोग आगे आए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत तेज़ी से जो सबसे पहले कार्यक्रम शुरू किए, उन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान। और उस स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने स्वयं हाथ में झाड़ू उठाकर वो स्वयं सड़कों पर निकले, और सड़कों पर निकलने का एक संदेश था। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। वहीं आज राजधानी देहरादून में पेट्रोल 18 पैसे और डीजल के दाम में 20 पैसे की कमी हुई है। वहीं देहरादून में आज पेट्रोल 95.28 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.29 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें कि पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं। हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में तेल की कीमतें में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वैट और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद दामों में इजाफा होता है। वहीं हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम में 7 पैसे और डीजल के दाम में 7 पैसे की बढ़त देखी गई है। ऐसे में हरिद्वार में पेट्रोल के दाम 94.46 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 89.57 रुपये प्रति लीटर हैं। कुमाऊं की बात करें तो हल्द्वानी में पेट्रोल डीजल के दाम यथावत बने हुए हैं। वहीं हल्द्वानी में पेट्रोल डीजल के दाम यथावत बने हुए हैं। हल्द्वानी में 94.44 रुपये और डीजल 89.58 रुपये में बिक रहा है। उधर रुद्रपुर की बात करें तो पेट्रोल 94.62 रुपये, डीजल 89.82 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। रुद्रपुर में आज डीजल के दाम में 7 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। एमके न्यूज़ की डेस्क रिपोर्ट। भारत के जैवलिन थ्रो एथलीट चोपड़ा ने त्रिनिदाद और टोबैगो के कैशोन वालकोट और वर्ल्ड चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक हासिल किया। जैवलिन थ्रो के चैंपियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में हो रहे कुओर्ताने गेम्स में शनिवार को अपने पहले प्रयास में ही 86.69 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल को अपने नाम किया। बता दें कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। उनका टोक्यो ओलंपिक्स के बाद ये दूसरा कॉम्पिटिशन है जिसमें वह हिस्सा ले रहे हैं। एमके न्यूज से डेस्क रिपोर्ट। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एक्शन मोड में नजर आए। कमिश्नर ने नजूल भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि नैनीताल के हल्द्वानी में बड़े पैमाने पर सरकारी नजूल भूमि खाली पड़ी है, जिस पर लंबे समय से भूमाफियाओं की कब्जे और अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर अतिक्रमणकारियों ने स्थायी अतिक्रमण तक किया है। वहीं सरकारी विभागों की जमीन
भू माफियाओं से नहीं बच पाई है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने सारी सरकारी भूमि को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रविवार को कई सरकारी नजूल भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट, SDM और मुख्य नगर आयुक्त को सरकारी भूमि को खुर्द बुर्द करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। MK न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। चार धाम के साथ ही सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा भी जारी है। अभी तक 88,000 से ज्यादा तीर्थयात्री गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। वहीं अब हेमकुंड साहिब में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसका तीर्थयात्रियों ने जमकर लुत्फ उठाया। बीती शाम खराब मौसम के चलते गुरुद्वारा प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से गोविंद घाट और घांगरिया लौटने की अपील की। जानकारी के अनुसार आज भी मौसम खराब है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। बता दें कि 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुले थे। सबसे खास बात है कि हेमकुंड झील के किनारे बसा हुआ है। बर्फ की ऊंची ऊंची चोटियों से घिरे होने की वजह से यहां का वातावरण बेहद शांत है। यहां साल में 7 से 8 महीने में बर्फ जमी रहती है। वहीं हिमालय की गोद में बसे हेमकुंड साहिब में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। MK न्यूज से डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के चमोली में मौसम ने अपना मिजाज बदला है, जिसके चलते पूरी झमाझम बारिश होती रही। वहीं ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे लगातार तापमान में गिरावट हो रही है, जिसके चलते मौसम खुशनुमा हो गया। इस दौरान यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण के प्रयासों से पदमपुर में कोटद्वार के क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाने के लिए निशुल्क चिकित्सा जांच, परामर्श व दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान 3,000 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लिया। वहीं स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने विधिवत रूप से किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शिविर में लगे परीक्षण स्टॉल का निरीक्षण किया व स्वास्थ्य परीक्षण करने पहुंचे लोगों का हाल जाना। वहीं उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे कोटद्वार के अस्पताल में जल्द ही चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। कोटद्वार से अजय सिंह की रिपोर्ट। जुनून फाउंडेशन, यथार्थ हॉस्पिटल और मेरे द्वारा कोटद्वार के लिए एक बड़ा कैंप, हेल्थ कैंप हमने लगाया है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 22 से अधिक डॉक्टर यहाँ पहुँचे हैं। डायग्नोस्टिक्स, रोच डायग्नोस्टिक्स की टीम यहाँ पहुँची है। 10 तरह के खून की जाँच यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ जैसे अभी आपने देखा लंग्स की, फेफड़ों की जाँच हो रही है। तो मुझे बहुत आज खुशी है कि इस तरह का कैंप मैंने यहाँ पर हम लोग लगवा पाए हैं, ताकि वो करते हैं। उसके बाद बोन डेंसिटी करते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस बहुत प्रॉब्लम है। लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं, क्योंकि स्मोकर्स बहुत हैं, तो उसकी लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं। एक फाइब्रो स्कैन मशीन है ये, जो कि बहुत बड़े हॉस्पिटल में भी अभी अवेलेबल नहीं। ताज़ा मामला राजधानी देहरादून के गणेशपुर का है, जहां एक OBC महिला जो 70 साल की है, उसने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि लगभग 20 से 25 साल पहले पति के साथ मिलकर उन्होंने 3.5 बीघा जमीन खरीदी थी और अब जब अपने बच्चे नाती पोतों के साथ उस जमीन पर कोई भी कार्य करना शुरू करती है तो स्थानीय नेता उस क्षेत्र के विधायक का नाम लेकर उनको डरा धमका रहे हैं और धमकी देकर कह रहे हैं कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साथ ही पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि नेता ने उनसे 20 लाख रुपए की मांग की है, वहीं रुपए न देने पर उन्हें धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने बताया कि वह इस मामले को लेकर पुलिस विभाग से लेकर सभी लोगों के पास पहुंच गई, लेकिन कोई भी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। पीड़िता का कहना है कि यदि न्याय नहीं मिलता है तो वह धरने देने पर उतारू होंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसा है जी, 25 साल पहले मैंने ज़मीन ली थी और फिर उसके वारिस नाम मेरे है ज़मीन। मैं गरीब घर की, मेरे बच्चे पाल पड़ोस का मन अच्छे करे, ये मैं ज़मीन में ना कुछ काम करने लगी थी
उस काम करने में दो दफा ही मैं दोनों दफा इन्हें चढ़ाई कराई मदबर सोना लहरा चढ़ा का। किसने कराई है? कुछ ऐसा है आपको जो है सतपाल बटोला है? कौन है वो सतपाल बटोला? मंत्री ना लहरा बुला बुला का मंत्री पर फोन करवाए रहा। फिर पुलिस का किसी पार्टी का नेता है वो? हाँ जी बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ। क्या कह रहा वो? नुकारा काम थारी नानी है जमीन, हम ना काम ना करो। दो दफा मैंने काम लगा, दोनों दफा ने काम नहीं हमें करने दिया। तो क्या जमीन कब्जाने के लिए धमकियां वगैरह? हाँ, और गुंडों ने लहरा औरतों ने लहरा अपने गाँव के ना बुला बुला का, और तीन चार दफा धक्के मुक्के भी दे लिए। पत्र सब रजिस्ट्री दाखिल खारी जा सबको हमारा, ये हम अपने मकान की बाउंड्री करना चाहो है। दबंग पन निखारा सतपाल बटोला, अपना दबंग पन नेतागिरी दिखा रहा। बहुत क्या कोई नेता है किसी पार्टी का? उसका कहना है कि बीजेपी का, बीजेपी मेरी है कि सहदेव कुंडल के साथ में लगा हुआ है वो, और सहदेव कुंड के साथ में लगा हुआ है। जब भी हम बाउंड्री करने के लिए आवे यहाँ धक्के मुक्के, मेरे भाई को भी रात के टाइम गला घोटा मारा, मारपीट की उन्होंने। आपने कोई पुलिस वगैरह से शिकायत? सर मारी कोई नहीं सुनता सर। रुद्रपुर एसओजी टीम ने रविवार को नानकमत्ता थाना क्षेत्र से दो साल से फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा, चार कारतूस और 3400 रुपए बरामद हुए। बता दें कि पकड़ा गया बदमाश स्मैक तस्करी करता था और उस पर नानकमत्ता थाने में 6 केस दर्ज हैं। पुलिस ने अभियुक्त को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं एसएसपी ने बताया कि लाली ने स्मैक बेचकर काफी संपत्ति अर्जित की है और उसकी भी जांच की जा रही है। एसओजी की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। जिसमें 10,000 रुपए के एक इनामी अभियुक्त जो है, जो हार्डकोर क्रिमिनल है, वो हमारे हाथ में आज गिरफ्तार हुआ है। तो इसका नाम है हरजिंदर उर्फ लाली उर्फ जस्सी पुत्र बग्गा सिंह, निवासी ग्राम गिदौर थाना नानकमत्ता है। इसके ऊपर पूर्व में 6 मुकदमे पंजीकृत है, जिसमें एनडीपीएस का है, शराब की तस्करी का है और बलवा मारपीट 307 का भी है। जिसके गिरफ्तारी हुआ है तो इसके कब्जे से एक तमंचा, 4 आदत जिंदा कारतूस मिला है 315 बोर का। नैनीताल नारायण नगर से 16 जून की रात घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता नाबालिग लड़की का शव नैनी झील में मिला है। लड़की का शव मॉर्निंग वॉक कर रहे स्थानीय लोगों ने झील में देखा, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना मल्लीताल कोतवाली पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने झील से शव का रेस्क्यू किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल नारायण नगर निवासी नाबालिग लड़की 16 जून को घर से लापता हो गई थी। इसके बाद नाबालिग के परिजन ने गुमशुदी को लेकर मल्लीताल कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी। परिजनों की तहरीर पर मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो नाबालिग ठंडी सड़क की तरफ जाती दिखाई दी थी, लेकिन इसके बाद लड़की का कहीं पता नहीं चल पाया था। वहीं मामले को लेकर लड़की के परिजनों ने बताया कि एक अज्ञात युवक बेटी को फोन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था, जिस वजह से उनकी बेटी घर से बिना बताए चली गई। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर एक युवक समेत 4 अन्य छात्राओं से पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि सबूत जुटाए जा रहे हैं, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। जो है इनकी तहरीर के आधार पर जो है हमने जो गुमशुदगी में जो है मुकदमा कायम किया था, और 2 दिन से जो इसकी तलाश चल रही थी लड़की की, जिसमें पानी में भी तलाश कर रहे थे और बाहर भी तलाश कर रहे थे। आज हमें सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी ऐसी है, जिसको जब मौके पर पहुंचे तो एक डेड बॉडी दिखाई दे रही थी, जिसको तुरंत निकाल के जो है इसको जो है अंदाजा होने पर जो इसको सबसे पहले अस्पताल लाया गया और डॉक्टर से जो है चेक कराया गया है, जिन्होंने इसको जो है मृत घोषित किया है। अब जो है पंचायतनामा कर लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। कालसी क्षेत्र के अंतर्गत सहैया कस्बे में कई सालों से राजस्व पुलिस चौकी क्रियान्वित थी, लेकिन कई सालों से स्थानीय रहवासी और जनप्रतिनिधि सहैया क्षेत्र में रेगुलर पुलिस चौकी की मांग कर रहे थे। इसी को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने सहैया को रेगुलर पुलिस चौकी बनाने का आदेश पारित किया, जिसे लेकर SSP देहरादून जगनमेव खंडूरी ने सहैया पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी तुरंत तुरंत हमको जो राजस्व की चौकी है उसको उपलब्ध कराया गया, तो मेरे द्वारा जो चौकी इंचार्ज है उसका तुरंत ट्रांसफ़र किया गया, यहाँ पर चौकी इंचार्ज तैनात किया गया। इसके साथ ही 6 कांस्टेबल्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा यहाँ पर वो क्राइम तो एक तरफ है, इसके अलावा जो नशे के खिलाफ हमारी मुहिम लगातार चलती है
उसको हम ये इस चौकी पे भी चलाएंगे। जो हुड़दंग होता है मार्केट एरिया में, तो मार्केट एरिया में हुड़दंग नहीं करने दिया जाएगा और हमारी लगातार गश्त भी यहाँ क्षेत्र में जाती रहेगी। और पब्लिक को और भी कोई समस्याएँ होंगी तो वो पब्लिक यहाँ पर आकर अपनी समस्या बता सकती है। नियम विरुद्ध बने राशन कार्ड को सरेंडर करने के अभियान से पूर्ति विभाग को खासा फायदा हो रहा है। बता दें कि पौड़ी जनपद में 2 महीने के अंदर अब तक 11,500 उपभोक्ताओं ने अपने राशन कार्ड विभाग में सरेंडर करवा दिए हैं, जिनसे लगभग 46,000 यूनिट अब तक खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में सरकारी राशन आवंटन की विभिन्न योजनाओं में 46,000 व्यक्तियों को अब तक नियम विरुद्ध मिलते रहे राशन की बचत होने से विभाग भी उत्साहित है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। तो योजना वाइज में मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि हमारे SFY इसमें हम 7.5 किलो गेहूँ और चावल मिला के देते हैं। ये हमारे लगभग 3,500 कार्ड डिलीट हुए हैं, तो 3,500 × 7.5 ये हमारा रेगुलर में है। और फ्री में बात करें तो फ्री में भी हम पर यूनिट में 5 kg राशन दे रहे हैं, तो 28,000 यूनिट PHH की हो गई और 5,600 यूनिट अंत्योदय की हो गई, तो 27 × 32 लगभग 33,000 यूनिट जो हम निशुल्क वितरण कर रहे हैं, इतने की हमारे पास बचत हो गई है। बुलंदशहर में विशेष चिकित्सीय परीक्षण व उपचार शिविरों का आयोजन अलग अलग समय पर किया गया। शिविर में डायबिटीज, मनोरोग व तंबाकू नियंत्रण के विशेषज्ञ चिकित्सकों, जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, सर्जन स्त्री रोग ने संबंधित पीड़ितों की जाँच कर इलाज किया। लगभग 350 लोगों ने इस शिविर का लाभ लिया। बुलंदशहर से उदय यादव की रिपोर्ट। 2 विशाल चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। पहले चिकित्सा शिविर में विशेषज्ञ टीम द्वारा बंदियों की नशा मुक्ति, संक्रामक रोग, PP, शुगर आदि के संबंध में जांच और उपचार किया गया। दूसरे चिकित्सा शिविर में जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ टीम द्वारा सभी बंदियों की, उनकी विभिन्न बीमारियों की जांच, उपचार और परामर्श किया गया। श्रीनगर गढ़वाल में पिछले कुछ दिनों में हुई कई बाइकों की चोरी की घटनाओं से नाराज गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों का गुस्सा शहर कोतवाली में उस वक्त फूट पड़ा जब नगर के एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी की बाइक चोरी में बरामद हुई। वहीं उधम सिंह नगर से बाइक बरामद करने और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद गुस्साए छात्रों ने संबंधित रेस्टोरेंट संचालकों और कर्मचारियों पर चोरी के गिरोह में शामिल होने के आरोप लगाते हुए रेस्टोरेंट बंद करवाने की मांग की। बाद में गुस्साए छात्रों ने धरना देकर व्यापार सभा के कहने के बाद जांच तक रेस्टोरेंट को बंद कर दिया। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। कोई भी चोरी होती है तो चीज़ों में देर हो जाती है और फिर वो चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। शहर में लगातार 6-7 बाइकें यहाँ पर चोरी हुई हैं, तो जो ये रैकेट चल रहा है पूरा एक रैकेट है। सब लोगों का एक ही सोचना है कि जो ये रैकेट चल रहा है ये हंगरी पॉइंट होटल से ही चल रहा है। और आज हमने पुलिस के समक्ष अपनी बात को रख भी दिया है, यहाँ से गिरोह चल रहा है और हमने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। अब जैसे मैं हंगरी पॉइंट का जो मामला मेरे संज्ञान में आया कि व्यापार सभा अध्यक्ष होने के नाते मैं समस्त व्यापारियों से मेरा आग्रह करूंगा कि वो मेरा साथ दें और ऐसे व्यापारी को यहाँ से दूर भगाएं और ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यापारी हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक गिरफ्तारी हुई है, ये रविंद्र पुत्र मेजर सिंह है, निवासी ग्राम सुतैया, पोस्ट ऑफिस बंगा, जनपद उधम सिंह नगर का। और ये वादी हैं इसमें नरेंद्र सिंह रावत, निवासी बीरचंद सिंह गढ़वाली मार्ग पर। ये इन्हीं के किराए में रहता था और इन्हीं की रैकी करके ये बाइक चोरी की गई थी, जिससे कि बाइक रिकवर की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जन्म दिवस पर द लेजेंड ऑफ भगत दा का विमोचन किया। ये पुस्तक राज्यपाल भगत सिंह व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित है। CM ने भगत सिंह कोश्यारी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके व्यक्तित्व का हर पहलू प्रेरणादायी है, वह सहजता से प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में ही राजनेता के साथ कुशल शिक्षक के रूप में समाज को दिशा देने का कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भगत सिंह के सानिध्य में रहकर सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र कार्य करने का सौभाग्य मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको साथ लेकर चलना, छोटे बड़े का भेदभाव ना कर सभी को आगे बढ़ाने में मदद करने की सीख भी हमें कोश्यारी से मिली है।
इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक सविता कपूर, सरिता आर्य, सुरेश गढ़िया, मोहन सिंह बिष्ट, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। सरोवर नगरी नैनीताल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का 80वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह कोश्यारी के 80वें जन्मदिन पर 80 किलो बूंदी से लड्डू बनवाए। जन्मदिवस के अवसर पर नैनीताल पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल के राम सेवक सभा प्रांगण में एक दूसरे को लड्डू खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। उन्होंने कहा कि भगत दा हम सभी के मार्गदर्शक हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को तराशने का काम किया है। कार्यक्रम में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं को कैसा होना चाहिए, कार्यकर्ता कैसे बनते हैं, कार्यकर्ता दुख और कष्ट में भी किस तरह से संगठन को आगे ले जाता है और राष्ट्रीय भावना के लिए अपना त्याग कैसे होता है, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का तो सीधे सिद्धांत यही है, पहले राष्ट्र फिर पार्टी फिर परिवार, यानी कि हम। इस सूत्र के आधार पर भगता आज से नहीं बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। आज वो 80 साल के हो गए हैं काम करते करते। हम सब ने आज मिलकर उनके शतायु होने की कामना की है, नंदा सुनंदा माता से प्रार्थना की है, पाषाण देवी माता से प्रार्थना की है, प्रभु से प्रार्थना की है कि प्रभु उनको आप शतायु बनाएं ताकि उनका मार्गदर्शन हमको लगातार मिलता रहे। सिख पंथ के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह का 427वां प्रकाश पर्व हरिद्वार में मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम में सिख परिवार के सदस्यों ने गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ में भाग लिया। इसके बाद हजारों की संख्या में लोगों ने लंगर चखा। वहीं गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान जगजीत सिंह शास्त्री ने बताया कि गुरु अर्जुन देव के पुत्र गुरु हरगोविंद साहिब की दल भंजन योद्धा कहकर प्रशंसा की गई। शास्त्री ने कहा कि सभी धर्मों का एक ही रास्ता है, अमन चैन का, लेकिन लोग भटक रहे हैं। सभी को मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने के कार्य करने होंगे। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। खबर चमोली जिले की है, जहां ताइक्वांडो की स्टेट टेबल प्रतियोगिता में जिले के 22 बच्चे विभिन्न वर्गों में प्रतिभाग करेंगे। ये जानकारी देते हुए कोच शुभम शाह ने बताया कि अंबेडकर भवन गोपेश्वर में बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 25 और 26 जून को देहरादून में होने वाले स्टेट लेवल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे भाग ले रहे हैं। बता दें कि वर्तमान में 70 से ज्यादा बच्चे ताइक्वांडो सीख रहे हैं। अभी तक 10 बच्चे ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं। हाल ही में उज्जैन में हुए ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जिले से 6 बच्चों ने मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। और वहाँ पे काफ़ी अच्छी फाइट होगी, काफ़ी अच्छी वहाँ पे सब ऐसा वाला है, जिस चीज़ से खेलने आएंगे और वहाँ अच्छी अच्छी फाइट होती है। हम इस चीज़ गार्ड और हेडगार्ड गार्ड के सब में फाइट खेलेंगे। यहाँ जो है चमोली, यहाँ पे जो है उत्तराखंड से हम तैयारी करते हैं ताइक्वांडो को। हम यहाँ के स्टेट लेवल पे जब हम खेलते हैं ताइक्वांडो को, यहाँ से बहुत से ऐसे बच्चे जिनमें कि हमने गोल्ड मेडल आए थे। उसके बाद हम यहाँ पे उज्जैन भोपाल के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि हम उज्जैन भोपाल नेशनल खेलने गए थे। भोपाल नेशनल में हमारे कुछ बच्चों के मेडल आए, जैसे कि मेरा था ब्रॉन्ज मेडल, यहाँ पे शहर मोशन का सिल्वर मेडल था, जैसे प्रथम ये हमारे जो 41 से नीचे किलो वेट खेलते हैं उनका जो था सिल्वर मेडल यहाँ पे इनका था। कम से कम 50 समथिंग बच्चे बॉयज सीखे हैं, कम से कम 20 समथिंग गर्ल्स सीखे हैं। अभी तक यहाँ से 10 बच्चे ब्लैक बेल्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट से 10 बच्चे ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं। अभी हाल ही में क्या कहते हैं नासिक में आर्मी का ट्रायल होने जा रहा है, जिसमें यहाँ से 2-3 बॉयज जाएंगे, कपिल विश, प्रथमेश और वो। इन तीनों से उम्मीद है कि इस बार की जो आर्मी का जो सिलेक्शन ट्रायल होगा, तो उसमें उम्मीद है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट से दोनों बच्चों का आर्मी के लिए सिलेक्शन हो सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से नभ नेत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में ड्रोन तकनीक पर आधारित ये मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन आपदा संबंधी डाटा जुटाने में कारगर साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने नभ नेत्र की सराहना की और साथ ही DARC की टीम को प्रमाण पत्र भी दिए। इस दौरान ITDA से नवनीत शौनक, शयान अली, हिमांशी राणा, याशिका पांडे, शिखा पांडे, शशांक मुटनेजा, विपिन कुमार आदि उपस्थित रहे। एमकेएन न्यूज से टेस्ट रिपोर्ट। राजभवन नैनीताल में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से GOC उत्तर भारत लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच अग्निपथ योजना समेत सेना से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई। राज्यपाल ने कहा कि ये योजना युवाओं के लिए अच्छे अवसर पैदा करेगी। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं के सेना में आने से 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उनकी सोच, विचार और धारणा में एक देश प्रेम का जज्बा और जुनून पैदा करेगी। वहीं 25% युवा फौज में आकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे। शेष 75% युवा राष्ट्र की मुख्य धारा में अपने कौशल के बल पर कार्य करेंगे। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि कोरोना की वजह से 2 साल तक सेना भर्ती न होने के कारण आयु सीमा में रियायत देने का निर्णय सराहनीय है। अग्निपथ योजना में सरकार द्वारा सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऊंचे दर्जे पर ले जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अभियान के तहत हरीश रावत देहरादून सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर जाएंगे। इस बात की सूचना हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी, जिसका लाखों लोग विरोध कर रहे होंगे, ऐसे फैसलों का वो भी विरोध करेंगे। वह एक गैर राजनीतिक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके तहत वह देहरादून स्थित सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं अभियान के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को इस अभियान में शामिल किया जाएगा। ये तय किया है कि अगले 4-5 दिन में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी तो मैं हजारों लाखों उन लोगों की कतार में सम्मिलित होऊंगा जो संघर्षरत होंगे सरकार के इरादे को बदलने के लिए, और अपने उसी क्रम में मैं एक गैर राजनीतिक अभियान अपने सैन्य धामों से, जहां सैन्य स्मारक हैं, वहां से प्रारंभ करूंगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह से हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल गई, जिससे मसूरी के तापमान में गिरावट दर्ज की है, जिसके बाद मसूरी घूमने आए पर्यटक व स्थानीय लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मॉल रोड पर घूम रहे पर्यटक जमकर बारिश का आनंद ले रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिनों तक 4 धाम समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। इस संबंध में DGP अशोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी जिलों के कप्तानों से युवाओं के साथ संवाद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्ती करते हुए FIR तक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं DGP ने शनिवार को एक वीडियो जारी कर युवाओं से शांति बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कुछ युवा साथी अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, कुछ गलतफहमी का शिकार हैं तो कुछ को भड़काया जा रहा है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि कृपया शांति बनाए रखें, कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे कुछ युवा साथी देश की अग्निपथ योजना को लेकर के आंदोलनरत हैं, कुछ गलतफहमी का शिकार हैं, कुछ को भड़काया जा रहा है। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि कृपया करके शांति बनाए रखें, कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं, धैर्य बनाए रखें और संयम से काम लें, सकारात्मक सोचें। इसको इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि आपको आर्मी के साथ साथ दूसरी तरह की नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे।
जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड ने भी घोषणा की है कि अग्निवीरों को बाद में पुलिस में, आपदा में या चार धाम यात्रा आदि में अवसर दिए जाएंगे, तो इसके संबंध में भी हम इसको पॉजिटिवली भी इसको सोच सकते हैं। अल्मोड़ा में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत संगठन के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि देश में आज भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज भाजपा पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मंत्री ने कहा कि कार्य समिति की बैठक के माध्यम से संगठन की मजबूती पर चर्चा की जा रही है, साथ ही समर्पित कार्यकर्ताओं का कद बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा से सक्रिय रहा है। जब हमारे जनप्रतिनिधि दो हुआ करते थे और आज हमारे जनप्रतिनिधि केंद्र में 302 से लेकर राज्यसभा में 100 से ऊपर की संख्या में हम लोग हैं, तो संगठन निरंतर अपना काम करता रहा है, जिसका प्रतिफल है कि आज हम इतनी बड़ी संख्या में कह सकते हैं देश का नेतृत्व के अलावा पूरे विश्व भर में जो है भारतीय जनता सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। तो ये संगठन के निरंतर कार्य हैं, और इससे पहले राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, उससे बीच में प्रदेश कार्य समिति हुई, निश्चित रूप से आज जिले कार्य समिति है और उसके बाद मंडल कार्य समिति है। हल्द्वानी शहर के तमाम पेट्रोल पंप पर ना तो आपको हवा मिलेगी ना शौचालय की व्यवस्था। वहीं आए दिन हवा डालने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मियों से लोगों की झिकझिक होती है। वहीं शौचालयों पर हर वक्त ताला लटका रहता है। पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर वाहनों में हवा तो डाली जाती है, लेकिन उसके पैसे भी देने पड़ते हैं। वहीं नैनीताल रोड में मौजूद एक पेट्रोल पंप पर कर्मी हवा डालने के एवज में सुविधा शुल्क लेता दिखा, जिसको लेकर वाहन चालकों ने नाराजगी दिखाई। मामले को लेकर पर्वतीय पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी चेतन बलूटिया का कहना है कि इस विषय को मीटिंग में रखा जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मोस्टली वैसे ज्यादातर जगह में पेट्रोल पंप में मनाही कर देते हैं हवा के लिए, बोलते हैं अभी खराब हो रहा है या लड़का नहीं है या कुछ भी। मैं अल्मोड़ा से हूँ। अल्मोड़ा में तो खैर मोस्टली आई नहीं, और खासकर शौचालयों की भी हालत खराब ही है। शौचालय लगभग या तो खराब पड़े हैं या तो इतने गंदे पड़े हैं, साफ सफाई रखते नहीं है, तो जाएगा कैसे खास। हमारे उधर मिलते हैं तीन लड़के, हमारा उधर हमारा वहाँ होगा, बगल में होगा, इधर होगा, बगल वाले भी रोड के चलते हुए लोग तक हमारे वहाँ आते हवा भरने। ये ऊपर लिखा ना फ्री सेवा करके, आदमी तेल कहीं और पड़ा है, हवा का बंदा रहता ही है अक्सर। और टॉयलेट वहाँ दो रहते हैं, एक लेडीज वाला, एक जेंट्स वाला, और एक स्पेयर में रहता साफ सुथरा। तीन टॉयलेट हमारे यहाँ, ये हमें कस्टमर्स को प्रोवाइड करानी ही करानी है, जैसे कि फ्री एयर है, टॉयलेट्स हैं, और पानी देना है, आर ओ का पानी, नॉल, ये सब हमारी कंपनी की तरफ से हमें गाइडलाइंस हैं कि हमें कस्टमर्स को प्रोवाइड करानी करानी है। और देखिए, पर्सनली तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पंप में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, और हम लोग ये पूरे कंपनी के जितने भी बायलॉज और नियम है वो हम इम्प्लीट कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।